बीते कुछ दिनों पहले एक फैशन डिजाइनर ने अपना एड रिलीज करा अपने कपड़ों के प्रमोशन के रिगार्डिंग, जिसकी थीम थी श्री कृष्ण एंड राधा जी। उस एड को देखकर मैं बहुत आहत हुई और मैंने ये निर्णय किया कि इसके बारे में बोलना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। इसीलिए मैं आज आप लोग के समक्ष अपने विचार इस वीडियो में रख रही हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी उपासना, पूजा अगर कुछ है तो वो प्रेम है, प्रीति है। प्रेम इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। हर एक भक्त के जीवन में प्रेम की भावना होती है, लेकिन वो प्रेम किसी मतलब का नहीं है। वो प्रेम तो है भक्त का ईश्वर से। ऐसे ही हर मनुष्य को सदैव अपने मन मस्तिष्क में प्रेम की भावना रखनी चाहिए अपने प्रभु से। हमारे आम जीवन में भी प्रेम का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन जैसा हम अभी तक प्रेम को समझ पाए हैं वो वैसा नहीं है जिसमें काम वासना भरी हो, जिसमें आप किसी से कुछ गेन के लिए कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो वो प्रेम है जो कि आपको अपने स्वयं से जोड़ता है, आपको अपनी वास्तविक और सच्ची अनुभूति कराता है, भगवान से जब जुड़ जाता है। और वास्तव में दोस्तों, वही प्रेम सबसे सच्चा प्रेम होता है। इसीलिए संसार में प्रेम ढूंढने के बजाय अपने भगवान, अपने इष्ट से प्रेम करिए। एक बहुत बड़ी कृपा है जब हमारी प्रीति हमारी राधा रानी जी, हमारी किशोरी जी से होने लगे, तब आप समझेंगे वृंदावन धाम का असली महत्व। उसकी जो अनुभूति होगी ना, वो शब्दों से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव है। ये लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने मन मस्तिष्क से, कई बुराइयों से, तब हम कुछ समझ पाते हैं। फिर समझते समझते उन विचारों को जीने लगते हैं। और हम मनुष्यों में तो इतनी बुराइयां हैं, और उन मनुष्यों में मैं भी आती हूँ। इतने गंदे ख्याल आते हैं, बुराइयां नज़र आती हैं, और अगर ना हम किसी दूसरों की बुराइयां करते हैं तो, या सोचते भी हैं, तो सबसे बुरे इंसान वास्तव में हम हैं। तो इन विचारों को काटना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अगर आप सच में प्रभु के पास रहना चाहते हैं या प्रभु से प्रेम करते हैं। ये जो मलिनता फैलाई है, ये जो बुराइयां फैलाई है हमारे विचारों में, तो सबसे बड़ा काम अगर किसने किया है, अगर इन बुरी शक्तियों को बल मिला है, तो वो हमारे फिल्म्स ने किया है। आए दिन हम सुनते हैं, देखते हैं सनातनियों पर कटाक्ष, उपहास, ये सब हमने देखा है। इसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। जिस तरह से देवी देवताओं का अपमान किया है, और ये कहीं और नहीं हुआ है, ये हमारे अपने देश में ही हुआ है, हमारे आंखों के सामने ही हुआ है। तो एक दौर था, उस समय बहुत छोटी थी, चीजों को समझ भी नहीं पाती थी, और हम बड़ी आसानी से इस तरह के फिल्म्स को एक्सेप्ट करते थे, बल्कि अपने पैसे उनमें खर्च करके खुद उन जोक्स में शामिल होके हमने भी बहुत गलत किया है। एक दौर ऐसा था जब ये सब चीजें समझ भी नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे जागरूकता आई, रिवाइवल ऑफ सनातन हुआ। मैं कहूँगी भारत 2.0, सनातन 2.0 में जब हम एंटर हुए, मुझे वो टाइम पीरियड अभी भी अच्छे से याद है, 2014 के बाद ही हमने भारत की अलग छवि देखी और उसके साक्षी भी बने। और कहते ही हैं कि बुराई ना ज्यादा देर चल नहीं सकती है और अच्छाई ज्यादा दिन छुप नहीं सकती है। तो हमें समझ आया कि किस तरीके से हमारे सनातन पे, सनातनियों के संवेदनाओं पे आहत
फिल्म इंडस्ट्री करती आई है। जो मेंटेलिटी उन्होंने हमें कंडीशनिंग कर दी थी पिक्चरों से, हम कहीं ना कहीं सनातन ने खुद ही हमें, मैं कहूँगी, उस कीचड़ को साफ करा, उस विचार को हमारे मन मस्तिष्क से उठाया और हम वास्तविक सच से जाने। हम सब ने एक्सपीरियंस करा कि सनातन की तो अब लहर उठ चुकी है। एक और विशेष बात मैं कहना चाहूँगी, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये ऐसे ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये एक समय काल चक्र को बताता है। जो एक मूवमेंट चली आ रही थी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्टर्न कल्चर पे हम इतना ज्यादा इंक्लाइन कर रहे थे, लेकिन अब हो रहा है उल्टा। दिस टाइम पीरियड इज नाउ रिवाइवल ऑफ ईस्ट। जो भारत की भूमि से प्रेम जो जगह है भारत माता के लिए, जो संवेदनाएं अब है भाषा के प्रति, कल्चर के प्रति, पहले ना हमेशा एक मेंटेलिटी थी कि लुक डाउन किया जाता था जो कि हिंदी बोलता है। आप इस बात को चाहे एक्सेप्ट ना करें, पर आपका मन भी ये जानता है। पहले जिस बच्चे को तिलक लगाने में भी शर्म आती थी, जो मंदिरों से अक्सर दूर से ही गुजर जाते थे पहले, अब तो माथे में ही तिलक नहीं, अब इंस्टाग्राम की आईडीज में भी उनका बायो में सनातन का झंडा दिखता है। तो ये क्या है? ये है चेंज जो कि धीरे धीरे हो रहा है। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रखती है, इसका बहुत बड़ा डीप सिग्निफिकेंस भी है। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ फिल्म्स की। तो फिल्म्स जो ये बिलीफ क्रिएट करती हैं दिखा दिखा के कि पंडित अगर है तो हमेशा चालाक चापलूस ही होगा। देखिए, आप सिर्फ मेरे कहने से सही नहीं होता है, आप खुद ऑब्जर्व करें, पुरानी फिल्म्स को उठाइए, आपको पता चलेगा खुद ही। और अगर आपने फिल्म्स देखी है तो आप उसे नकार नहीं सकते हैं, इस सत्य को। उर्दूफिकेशन ऑफ सॉन्ग्स हुआ है। मैं हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करती हूँ, हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, कुछ चीज़ें इंटेंशनल है, ऐसा ये अनायस ही नहीं है। इनके पीछे भी एक प्लॉटिंग और प्लानिंग चलती है। करोड़ों की फिल्म्स अगर बनती है तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि फिल्म्स बना के हम लोगों की सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनके बिलीव्स फॉर्म कर सकते हैं। सिस्टम रहता है ना, ये ग्लोबली फंडेड रहता है। राजनीति जो है हर क्षेत्र में है, और ये इसमें जो चलती है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है। हमारे भारत के इतिहास की बात करूँ तो किसी और से कभी दगा नहीं मिला है, बल्कि स्वयं हमारे भारत में ही ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए हमेशा से कुछ भी करते आए थे। ना उन्हें धर्म की पड़ी होती है, ना ही राष्ट्र की पड़ी होती है, वो असल मायने में होते हैं देशद्रोही। ऐसे लोग पहले ही नहीं थे, अभी भी समाज में मौजूद हैं, तभी तो ऐसे फिल्म्स आगे आ पाती हैं। ये मैंने आपको ओवरऑल फिल्म्स एंड धर्म के बीच की बातें बताई। विशेष रूप से अगर मैं इस एड कैंपेन की बात करूं तो मुझे थीम बहुत ज़्यादा पसंद आई, श्री कृष्ण और राधा रानी जी। ऐसी थीम्स पे हमें काम करना चाहिए। बट बात आ जाती है प्रेजेंटेशन की, दैट इज क्वेश्चनेबल। मैंने जब एड को देखा तो मुझे फर्स्ट ग्लैंस में राधा रानी जी अच्छी लगी। देन जैसे मैं धीरे धीरे उस एड को देखा, स्पिरिचुअलिटी लूज करके मुझे सेंसुअलिटी ज़्यादा फील हो रही थी। सबसे बड़ी बात, आपके फैक्ट्स ही गलत है। जिन फैक्ट्स पे आप थीम रख रहे हो उसके नॉलेज नहीं है। राधा रानी जी को क्लेविज पहने दिखाया गया है। हमारी सोच बिल्कुल करप्ट हो चुकी है, हमारी इमेजिनेशन वैसी ही है, वो भी करप्ट है।
क्योंकि हम अपनी सोच को वास्तविकता समझ बैठते हैं कि शायद प्रेम ऐसा ही है, लेकिन हम जानते नहीं कि हम बहुत बड़े भ्रम में हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो ना स्टार्टिंग में प्यार से शुरू करी थी कि प्यार का जो ये तत्व है ना, दिस इज़ एपिटोम ऑफ लव। जो डिवाइन लव की हम बात कर रहे हैं, ये हम आम मनुष्य के सोच से परे हैं। सखियाँ, आप जानते नहीं वो कौन है ना, क्योंकि हम बिलीव करते हैं पुनर्जन्म में। कौन से जन्म लेके कौन से वो दिव्य आत्मा है जो कि कृष्ण जी और राधा रानी जी के इतने पास उन्हें रहने का मौका मिला था। कला होती है वो पूजा का स्वरूप माना गया है, बहुत प्योर और डिवाइन होती है। बताना चाहूंगी, कृष्ण जी हमारे तरह आम मनुष्य नहीं थे, ही इज द सुप्रीम गॉड हेड। आप जानते हैं जब अर्जुन ने पूछा कि वास्तव में आप है कौन कृष्ण, तो कृष्ण जी उन्हें अपना डिवाइन फॉर्म दिखाते हैं और अर्जुन जैसे योद्धा कृष्ण जी का वो डिवाइन फॉर्म देख के डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो कृष्ण जी की दोस्तों कई सारी लीलाएं हुई है। जब वो पैदा हुए हैं तो वो जेल में पैदा हुए, सोचिए, माँ से बिछड़कर गोकुल में जब आए तो छठे दिन ही पूतना राक्षसनी उनको मारने के लिए पहुंच गई थी। तो उनकी मृत्यु का साया, सोचिए, उनके जन्म से ही था, पूतना राक्षसनी का वध किया। और ऐसी अनेकों लीला, अपनी अनामिका उंगली में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया। ऐसे आप सोच सकते हैं कि कृष्ण जी एक हमारी तरह आम तरह के लव कनेक्शन में थे। जैसे रासलीला की बात बताऊं ना, तो भगवान ने अनेकों लीला की, और रासलीला से मतलब वो नहीं है जो बॉलीवुड ने हमारे भेजे में डाल दिया है। रास का असली मतलब होता है एक भक्त का ईश्वर से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, उस ब्रह्म तत्व को जानना, उस लीला को कहा जाता है रास लीला। गोपियों के बारे में बॉलीवुड ने इतना विष भरा है, आपने सुना होगा ये गाना, गोपियां आनी जानी है। उसके शब्द मुझे कहने में ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पाप की भागीदार बनूंगी। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन मैं बात करती हूँ कि गोपियाँ हैं कौन। गोपियाँ का मतलब है प्रेमी, गोपियों का मतलब है भक्त, गोपियों का मतलब है जीव। इनका जब परमात्मा, जब ईश्वर, जब भगवान से मिलन होता है, उसको हम रासलीला कहते हैं। ऐसे ऐसे गंदे विचार हमारे मन मस्तिष्क में डाले गए हैं। मैं तो कहूँगी सनातन धर्म में भी जिस तरह से मुस्लिम में फतवे जारी होते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इन लोगों की हिम्मत ना बढ़े आगे। लीलाएं जैसे बहुत हैं। और ये जो टाइम पीरियड रहा था ना दोस्तों, कृष्ण जी और राधा रानी जी का, आपको पता है जैसे हमने पिक्चर्स में देखा है कि बड़े बड़े यूथ आ जाते हैं जैसे, तो वो कृष्ण जी उस समय उस एज में भी नहीं थे। गलत इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं। मात्र जब वो 11 वर्ष के थे, 11 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रजलीला छोड़ मथुरा चले गए थे। कृष्ण और राधा रानी जी अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों ट्विन फ्लेम भी कहा जाता है। गलती डायरेक्टर की है, क्योंकि डायरेक्टर के डायरेक्शन वही रंग रूप रेखा रखता है किसी भी एड की, फिल्म्स की। साथ में एक्टर्स भी उतने भागीदारी होते हैं, क्योंकि एक्टर्स ही अल्टीमेटली रोल को प्ले करते हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कौन सा सीन को किस तरह पोर्ट्रे करना है। दोस्तों पैसों के लिए कुछ भी कर लेंगे, इन्हें पता नहीं है इम्पोर्टेंस ऑफ रोल क्या होता है, करेक्टर को इंटेंशन क्या है, ग्रास कैसे करना है, पर्पस क्या है, फैक्ट्स क्या है, नॉलेज क्या है, काम करेंगे तो ये सारे फैक्टर्स जरूरी होते हैं। कुछ दिनों पहले एक आचार्य जी ने राधा रानी जी पे गलत टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने ना ही सिर्फ माफ़ी मांगी, लेकिन वो उन्होंने बरसाना जाके अपनी नाक को रगड़ा। क्योंकि दोस्तों हमसे माफ़ी मांगने से क्या होगा, पाप तो उन्होंने कर लिया है,
तो उन्होंने माफ़ी स्वयं राधा रानी जी से मांगी। राधे जी की महानता थी कि उन्होंने ना ही अपनी गलती स्वीकारी बल्कि राधा रानी जी के धाम जाके बरसाना में उन्होंने क्षमा मांगी। अपने ब्रह्म को ही अपना ज्ञान समझ बैठते हैं, यही भूल हम अपने धर्म के साथ भी कर रहे हैं। ऐसी फिल्म, ऐसी मूवीज ये जो कर रहे हैं, इसको कटघरे में रखना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। सोशल मीडिया में आए दिन अनेक भक्त राधा कृष्ण की रील्स बनाते हैं। आज मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, आप ऐसे टॉपिक्स पर क्यों नहीं बोलते हैं? अगर हम ऐसे प्रदर्शन पे बोले नहीं ना, तो ये प्रदर्शन जो ये सिर्फ दिखाते हैं विजुअली प्रेजेंट करके, ये हमारा एक्सेप्टेबल नॉर्म बन के हम अपनी विचारधारा ऐसे ही बनाने लगेंगे।